आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी की मदद तो नहीं करते, किसी का अच्छा करना तो दूर, उनका अच्छा तक नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या अपनी लाइफ, अपने काम में आप तरक्की करते हैं, वैसे ही ऐसे लोग आपके ऊपर टांट और ताने मारने लगते हैं। आपको एक व्यंग्यात्मक रूप में ताना मारेंगे, आपके ऊपर मजाक बनाएंगे। जब तक आपके पास कुछ नहीं होता या आप कुछ नहीं होते, तब तक ऐसे लोग यही सोच रखते हैं कि आप हमेशा उनसे नीचे ही रहो, ताकि आप उनके सामने हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहो, उनकी बातें मानो, उनके इशारों में नाचते रहो। ये लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे ही नज़दीक के रिलेशन वाले होते हैं। वो लोग कुछ भी करते रहें, आप उनकी हर खुशी में हमेशा खुशी रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए कदम रखते हैं, तो ऐसे लोगों का बर्ताव बदलते देर नहीं लगता। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे आपने उनका कुछ बिगाड़ा हो, आप उनके दुश्मन हो। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर आप उनसे कोई सलाह या मशविरा भी लेते हैं, तो वो अनाप शनाप जवाब देंगे। मतलब कि आपने उनके पूछे बिना कैसे खुद के दिमाग से आपने ये कर लिया, जैसे आप उनके गुलाम हों, और उन्हें इसी बात की अंदर से चिढ़ भी हो जाती है। अब आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते। हालांकि इतने सब में आप सब समझ ही जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान आपका अच्छा होते हुए तो नहीं देख सकता, लेकिन वो आपके रिलेटिव हैं, आप उनकी इज्जत करते हो, तो आपको सिर्फ ऐसे लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना। बस आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, आप सिर्फ वही करो। चिलने दो जिसे चिलना है, मारने दो ताने। वो तो बस ये सब इसलिए ही आपके साथ करते हैं, ताकि आप परेशान होकर, मजबूर होकर आप अपना फैसला ही बदल दो। लेकिन जब आप जानते हैं ये काम या आपका खुद का लिया गया फैसला आपके लिए बिल्कुल सही है, तो आपको अपने अनुसार ही आगे बढ़ना है। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोग आपसे अंदर से नाराज रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ, अपने काम में सफल हो जाती हैं, तो वैसे ही ऐसे लोगों का सोच भी बदल जाती है। फिर बाद में यही लोग सबसे पहले आपको बधाई देने भी आते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने दिमाग, अपने सोच और अपने द्वारा लिए गए निर्णय से ही खुद को बदलना है, क्योंकि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, ये सिर्फ आप ही जानते हो, दूसरे नहीं। दूसरे लोग तो आपको अलग अलग सलाह देंगे। तो अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।